एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये दो आम ले जाओ, एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयां रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह एक दो मील ही गया होगा कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दृश्य देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा, तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं।